नमस्कार, रमेशवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। देश की राजधानी दिल्ली से एक अहम खबर। रमेशवर न्यूज चैनल के एंकर वरुण गोयल के घर देर रात 3 अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया। दिल्ली कैंट इलाके में कार में आए हमलावरों ने वरुण गोयल के घर के नीचे खड़ी उनकी सेंट्रो और स्कॉर्पियो कारों के शीशे तोड़ दिए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिस कार में हमलावर आए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर DL1Z3753 है। हमलावरों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीसीटीवी के जरिए किस तरह से तीन हमलावर आए। और वरुण गोयल जो रमेशवर न्यूज चैनल के एंकर हैं और तमाम खबरों को समाज के सरोकारों के साथ उठाते रहते हैं लगातार, उनके घर पर यह हमला हुआ। उनकी कार खड़ी थी, तीन हमलावर वहां पर आए और किस तरह से कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दो गाड़ियां, एक सेंट्रो गाड़ी और एक स्कॉर्पियो कार जो है वो हमलावरों का निशाना बनी। किस तरह से ये एक टैक्सी से आते हैं वो तस्वीर, और उसके बाद उतरकर बाकायदा कार पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं, ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कार आप देख सकते हैं, डिजायर कार है, टैक्सी नंबर है, और इससे तीन हमलावर आकर सेंट्रो और स्कॉर्पियो के शीशे तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तक आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एमएचओ न्यूज हमेशा जनता के सरोकार की खबरें दिखाता है, बेबाक खबरें दिखाता है, बगैर डर के खबरें दिखाता है, और कई बार इस तरह की जो चीजें होती हैं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हमारे एंकर वरुण गोयल जो कि दिल्ली कैंट में रहते हैं, बीती रात उनके घर पर हमला हुआ और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं उनको तोड़ा गया है। दो गाड़ियाँ घर के बाहर खड़ी थी और रात को एक गाड़ी में तीन जो लोग थे वो आए यहाँ पर और उन्होंने तमाम जो गाड़ी है उसके अंदर तोड़फोड़ की है। जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी है बगल में उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर जो तमाम चीज़ें एमएचओ न्यूज़ अपने टीवी के माध्यम से दिखाता है, चैनल के माध्यम से जो चीज़ें दिखाता है उन्हीं को लेकर ये चीज़ें की गई हैं। वरुण इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, किस वक्त का ये वाकया है? देखिए आलोक, हम सुबह 6 बजे उठे, जो रूटीन टाइम है घर के बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो घर से नीचे आकर देखा तो ये दशा थी। उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट की और फिर अपने कैमरे चेक किए, उसमें कुछ चीज़ें साफ नहीं थी। पड़ोसियों के कैमरे में देखा तो रात को 2:02 के आसपास एक वाइट रंग की स्विफ्ट डिज़ायर कार आती है और उस कार में तीन लोग हैं, एक ने हेलमेट पहना हुआ है, एक ने टोपी से हुड से अपना सर ढका हुआ है और एक और आदमी है। वो पहले 2-3 चक्कर लगाते हैं यहाँ पर, उसके बाद वो पहली बार आके रॉड से गाड़ी के सामने हमला करके शीशा तोड़ के छुप जाते हैं। वो रिएक्शन देखते हैं, जब उन्हें दिखता है कि आसपास कोई नहीं आया, कोई घर से बाहर नहीं निकला, उसके बाद वो ताबड़तोड़ गाड़ियों पर हमले करते हैं। सेंट्रो गाड़ी जो मेरी गाड़ी है वो पूरी तरह ख़त्म ही कर दी गई है और जो एक और घर की गाड़ी है स्कॉर्पियो उसका पीछे का शीशा तोड़ा गया है। कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने की कोशिश दिखती है। क्या बीते 1-2 दिन के अंदर किसी से इस तरह का कोई मनमुटाव रहा है या इस तरह की कोई पारिवारिक रंजिश है जिसके चलते आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ हो सकती है? नहीं, जब दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है, जब से होश संभाला तब भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पत्रकारिता के अपने सरोकार हैं जिसके हम जिस तरीके से उठाते हैं, जो अपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से तमाम सवाल उठाते हैं। शायद ऐसा लगता है कि उसी का कुछ ऐसा रिजल्ट है कि ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली कैंट जैसे इलाके में जो बड़ा सुरक्षित माना जाता है, सेफ माना जाता है, वहाँ पर सड़क पर कोई गली में नहीं फ्रंट पे इस तरह का हमला हो गया, लोग निकल गए और अभी तक पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं है, जबकि सीसीटीवी में पूरी घटना दर्ज हो चुकी है। क्या बेबाक जो एंकरिंग आप करते हैं, बार बार अलग अलग तरह के मुद्दे उठाते हैं और बड़ी बेबाक आवाज़ में वो तमाम चीज़ें जनता के सामने रखते हैं, उस चीज़ का ये परिणाम है लोग आपको उस तरह से भय और डर दिखाकर डराना चाहते हैं ताकि इस तरह की चीज़ें ना करें? शुरुआत में तो यही लग रहा है कि कोशिश यही है कि इस आवाज़ को कैसे भी दबाया जाए, लेकिन एमएचओ न्यूज़ जिस तरह से अपनी खबरें दिखाता है, मुद्दे उठाता है, बेबाक तरीके से अपनी बात रखता है, तो वो बात तो हम आगे भी रखते रहेंगे, उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये जो कोशिश है बहुत ही कायराना हरकत है। सारे मामले को लेकर जब आप पुलिस के पास गए तो पुलिस ने जो इनिशियल छानबीन थी उसमें किस तरह की बातें कही हैं, क्या बताया? देखिए, अभी तक जो छानबीन थी वो हमारे स्तर पर ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो फुटेज था उसके आधार पर एक नंबर था, वो लेकर नंबर उसका एड्रेस निकाला गया, एड्रेस को लेकर हम उस एड्रेस को ढूंढने भी गए, वो एड्रेस वहाँ पर था ही नहीं, उस तरह का कोई एड्रेस नहीं था, तो क्या फर्जी एड्रेस पर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं? तो ये तो बड़े खतरे की बात है। दूसरी बात ये है कि अभी उसमें ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि क्या वो कोई और नंबर हो सकता है, तो शुरुआती जांच में है वो हमारे एफर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं पुलिस की ओर से, क्योंकि सब कुछ सामने आने के बाद जब कैमरे में सब कुछ कैद हो गया उसके बाद जो तेज़ी दिखनी चाहिए थी तो अब तक नज़र नहीं आई है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि पुलिस भी जो है इस मामले में कहीं ना कहीं अभी तक पुलिस का रुख देखें तो वो ढीला रुख देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से वरुण ने बताया कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई, और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं MHO न्यूज़ की उस आवाज़ को दबाने की कोशिश है जो बेबाक आवाज़ है, हमेशा जनता के सरोकार की बातें करते हैं, तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं, तो वही बेबाक आवाज़ को एक दबाने की कोशिश की गई है। मगर MHO न्यूज़ इसी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाता रहेगा, और जो लोग इस तरह के इंटेंशन रखते हैं कि इस तरह की आवाज़ को दबाने की कोशिश रखते हैं, वो ये समझ लें कि इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो हौसले कमज़ोर नहीं करती, हौसले बुलंद करती हैं, और ज़्यादा बेबाकी से अभी आवाज़ को उठाया जाएगा। इस पल्ला के साथ आलोक सांगवान, MHO न्यूज़, दिल्ली। तो पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर संपर्क करने की हमने कोशिश की, लेकिन पता लगा DCP साहब इस वक्त मीटिंग में बिजी हैं, बातचीत करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, और पुलिस की ओर से जो रवैया है वो भी बहुत ज़्यादा सतर्कता वाला दिखाई नहीं पड़ रहा। वरुण गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, CCTV में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, वो भी आपने अरेंज किया है जाकर, तमाम चीज़ें पुलिस को सौंप दी हैं, पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कहाँ तक पहुँची है? क्या किसी को गिरफ्तार किया गया? कोई सुराग तलाश कर पाई पुलिस अपनी ओर से? शायद मैं अभी आपको बता दूं कि मैं दिल्ली कंट पुलिस स्टेशन में अभी मौजूद हूं। जे शक के आधार पर एक गाड़ी को यहां बुलाया गया था, लेकिन उसका कोई वास्ता कल रात की घटना से नहीं लग रहा है। एक गाड़ी जिसके चांसेस हो सकते हैं उसको इन्होंने फोन किया है, लेकिन वो पिछले 3 घंटे से भी यहाँ पहुंचा नहीं है। FIR अब दर्ज हुई है सुबह 6 बजे की घटना पे जाके, और अभी पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले को सुलझा लेगी, लेकिन अभी तक की जो भी परिस्थितियां हैं वो आपको बता दूं कि मेरा खुद पुलिस स्टेशन में 3रा या 4था चक्कर है सुबह से, और अब पुलिस कह रही है कि वो इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और मामले को सुलझा लेगी। लेकिन दूसरा सवाल ये कि कल रात को जिसने घटना हुई है उसके बाद घर में जो दहशत का माहौल है, क्या घर के बाहर जो सुरक्षा को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं, आज की रात किस तरह से वहां निकलेगी, क्या आज भी कोई घटना हो सकती है, ये तमाम तरह के सवाल हैं। अब देखना है कि पुलिस का रवैया यहाँ क्या रहता है। वरुण, एक बात यार दिखाई पड़ती है कि जिस तरह से सुबह आपने घटना देखी और जिस तरह से हमारी सरोकार के तमाम सवालों को आप लगातार उठाते रहते हैं, MHO न्यूज उठाता रहता है, इस पूरे मामले की बात, क्या पुलिस ने इस घटना के बाद आपके घर के बाहर और जिस तरह से आपकी कुछ दुकानें भी वहां पर हैं उनके बाहर क्या सुरक्षा की कोई व्यवस्था की है? क्या आपको सिक्योरिटी के लिए कोई शख्स आपके पास भेजा गया है? देखिए, मैंने जब ये सुरक्षा वाली बात कही तो मुझे कहा गया कि उसकी अलग से आपको शिकायत देनी होगी, अभी हम जो गाड़ी टूटी है उस घटना की जांच कर रहे हैं, अगर घटना हुई है जिन लोगों ने हमला किया है वो आज भी कुछ कर सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, सुबह से अभी तक कोई पुलिस वाला दोबारा वहां पूछने भी नहीं आया है, कुछ देखने भी नहीं आया है, तो ये हालात हैं। अब बार बार चक्कर लगाने के बाद भी अभी बहुत कुछ होता हुआ यहाँ नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल वरुण, जिस तरह हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सेंट्रो कार जिससे आप खुद ऑफिस आते हैं, इसके अलावा स्कॉर्पियो गाड़ी जो आपके दूसरे घर के कामों में यूज होती है, सिर्फ इनको निशाना बनाया गया कि और भी कुछ गाड़ियां वहां पर मौजूद थी जिनको निशाना बनाया गया? अड़ोस पड़ोस में शरद कई गाड़ियां हैं क्योंकि यहाँ जो घर है वहां पर, लेकिन सिर्फ इन दो गाड़ियों को निशाना बनाया गया, और बहुत तरीके से पहले गाड़ी ने 2 चक्कर लगाए हैं, सब कुछ चेक किया है, जब कुछ नहीं मिला आसपास उसके बाद उन्होंने ये जो वारदात है उसको अंजाम दिया है, और गाड़ी से उतरते ही वो सीधा सेंट्रो कार की तरफ बढ़ते हैं, कहीं नहीं रुकते हैं, कहीं दाएं बाएं नहीं देखते हैं कहां दूसरी गाड़ियां खड़ी हैं, और ताबड़तोड़ हमला करके वहां से चंद सेकंडों में निकल जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसका मतलब साफ है कि आपकी गाड़ी पहचानी जा रही थी और जो इस गाड़ी का सवार है शायद उनसे ही दुश्मनी निकालने की कोशिश की जा रही थी, आपकी दूसरी गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, लेकिन जिस गाड़ी से आप खुद ट्रेवल करते हैं वो गाड़ी सबसे पहले निशाने पर आई थी, मतलब साफ है कि आपका परिवार और आप ही इन हमलावरों के निशाने पर थे। क्या इसके बावजूद आपको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? और पुलिस को जब आपने ये बात बोली तो क्या शिकायत मांगने की बात की गई? क्या आप शिकायत देने वाले हैं सिक्योरिटी के लिए? देखिए, मैं अभी पुलिस स्टेशन मौजूद हूँ क्योंकि मुझे अभी अंदर बातचीत के लिए जाना है, मेरा पहला सवाल यही होगा। हालांकि जो IO थे उन्होंने कहा कि आपको अलग से शिकायत देनी होगी, लेकिन सवाल यही है कि घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सुरक्षा के लिहाज से जहाँ ये कल घटना हुई है, जो हमला हुआ है, वहीं हम सब रहते हैं, तो उस लिहाज से जो सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए थी वो अब तक तो नजर नहीं आई है। अभी देखते हैं कि बातचीत के बाद पुलिस का रवैया क्या रहता है। सही सी बात है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के पहरेदार कहीं ना कहीं यहाँ पे, और हमारे जैसे तमाम एंकर्स और रिपोर्टर संवाददाता होते हैं, तमाम मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा उनकी कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। वरुण, फिलहाल मैं घर की स्थिति भी आपसे जानना चाहूंगा, घर पर इस तरह से क्या स्थिति? आप नहीं डरेंगे मुझे पूरा यकीन है, लेकिन छोटे बच्चे हैं जो गाड़ी में बैठा करते होंगे, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस वक्त किस हालत में? देखिए, घर में जो 3 बच्चे स्कूल जाते हैं वो जब सुबह उठ तैयार होकर नीचे आए जिस गाड़ी में वो रोज स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत डराने वाला था, उन्होंने ऐसी कुछ चीजें TV में देखी थी, लेकिन उन्हीं के घर में उन्हीं के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद ये मामला फिर भी थोड़ा सामान्य रहा, लेकिन जब CCTV फुटेज सामने आए, जब वो TV पर चले,
उन लोगों ने जिस आक्रामकता से अटैक किया, जिस नेचर से अटैक किया, उसको देखकर घर की महिलाएं काफी डर गई हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वो तो सुबह ही घबरा गए थे, लेकिन स्कूल जाने के बाद शायद उनका मूड थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद, वो टीवी पर चलने के बाद, घर की महिलाएं इस वक्त यकीनन काफी डरी हुई है। जाहिर सी बात है वरुण, ये बहुत बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर भी है, और जिस इलाके में आप रहते हैं बड़ा अच्छा इलाका माना जाता है सुरक्षा के लिहाज से, अगर वहां पर ये स्थिति होती है, एक न्यूज एंकर के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो दिल्ली कितनी सुरक्षित है ये समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो दावा किया है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे, इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा, दिल्ली पुलिस ऐसा करके दिखाएगी भी, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद सिर्फ वरुण गोयल जो एक पत्रकार हैं, उनका परिवार डर में नहीं है, तमाम दिल्ली के लोग भी डर में होंगे कि उनके साथ ऐसा होता है तो आखिरकार क्या होगा।